वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब? बाइट और इंटीजर सीख लेने के बाद अब हम सीखेंगे लॉन्ग डेटा टाइप। बाइट और इंटीजर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया बाइट क्या काम करता है, इंटीजर कब यूज़ करते हैं। तो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको तीन डेटा टाइप्स के बारे में बताऊँगी, लॉन्ग, सिंगल एंड डबल। और बिल्कुल वीडियो के एंड में हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, तो एंड तक आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया बाइट हम कब यूज करेंगे, इंटीजर कब यूज करेंगे। कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज किया था। यहाँ पे सिर्फ जो मैंने चेंज किया है वो ये है कि अब जो A1 सेल की वैल्यू है वो A में चली जाएगी और A2 सेल की वैल्यू B में चली जाएगी। लास्ट टाइम हमने इनको वैल्यूज मैनुअली यहीं पे दी थी। A को मैंने वैल्यू दे दी 5, 10, B इक्वल्स 220। तो यहाँ पे भी वैल्यूज इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये मेरी लोकल विंडो है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों वेरिएबल्स को एज अ इंटीजर लिया है। या तो आप सीधा, अगर तीनों वेरिएबल्स सेम डेटा टाइप के हैं तो आप एक स्टेटमेंट में उनको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तीनों अलग अलग वेरिएबल्स को मैं अलग अलग डेटा टाइप दूं, तो आप उनकी तीन अलग स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे dim a as integer, dim b as byte, dim c as integer, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो वैल्यू आप देख सकते हैं, ए में वैल्यू है 2000 और बी में वैल्यू है 36 और जो उनका सम करके वैल्यू आई है 236। ए में वैल्यू है 2000, बी में वैल्यू है 36 और सम करके वैल्यू आ गई 2036। तो अब बात करेंगे इस वैल्यू को बढ़ाने की। तो मैं ए में वैल्यू दे देती हूँ 32000। तो अब हम देखेंगे क्या हमारा कोड इसके लिए रन करेगा या नहीं। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और F8 की हेल्प से मैं अपने कोड को डीबग करूँगी। तो आप मेरी लोकल विंडो में चेक करते जाइए, ए में वैल्यू आ चुकी है 32000। मैंने बी को रन किया, बी में वैल्यू आ चुकी है 36, बिल्कुल सही। सी जैसे ही मैंने रन किया, सी में वैल्यू आ चुकी है, दैट इज ए और बी को ऐड करके 32036, और ये कोड आपका बिल्कुल सही रन किया है। अब यही वैल्यू मैं थोड़ी सी और बढ़ा देती हूँ, 32 की जगह मैं इसको 52 कर देती हूँ। तो अब देखते हैं वैल्यूज पे क्या असर पड़ेगा, क्या हमारा कोड इसके लिए भी रन करेगा। तो कोड को दोबारा से डीबग करते हैं। ए में वैल्यू आ चुकी है 52000, बी की वैल्यू 36, और जैसे ही मैंने फिर से F8 प्रेस किया तो देखिए रन टाइम एरर आ चुका है, दैट इज ओवरफ्लो। अब यहाँ पे ओवरफ्लो क्यों आया है? क्योंकि जो इनका सम है वो वैल्यू C में नहीं आ सकती। C की जो डेटा टाइप है इंटीजर है, इसकी रेंज से वो बढ़ गया है। तो अब हमारे पास वही दिक्कत है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ओवरफ्लो आ जाता है फिर इसका क्या सोल्यूशन है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं जिसमें वैल्यू बढ़ी जा चुकी है उसके डेटा टाइप को आप चेंज कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे देखिए, ए में तो 52000 आ चुका है, बी में आ चुका है, लेकिन जब सी की बात आई तो उसने वैल्यू बढ़ा दी है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगी। अब मैं इनको ले लेती हूँ एज अ लॉन्ग। लॉन्ग डेटा टाइप मैंने इनको ले लिया है। अब दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये कोड हमारा रन करेगा लॉन्ग के लिए। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही मैंने इनकी डेटा टाइप्स लॉन्ग ली तो आपकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है सी में। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका जो डेटा आप स्टोर करने जा रहे हो वेरिएबल्स में उसका साइज बहुत ही बड़ा है, तो आपको डेटा टाइप ध्यान में रखना है कि उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, बी में वैल्यू है 36, तो
तो बी की वैल्यू 36 है, तो इसके लिए मुझे लॉन्ग की क्या ज़रूरत है? लॉन्ग आपका ऑक्यूपाई करता है 4 bytes, और वहीं बाइट जो आपका डेटा टाइप है उसने 1 byte ऑक्यूपाई करनी है और इंटीजर ने 2 bytes। तो मैं बी को यहाँ पे लॉन्ग क्यों लिखा है? मैं इसको बाइट भी लिख सकती हूँ, मैं इसको इंटीजर भी लिख सकती हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। जी बिल्कुल सही, आप इसको एज अ बाइट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बी की वैल्यू इन फ्यूचर हमेशा 0 से लेके 255 की रेंज में रहेगी, तो आप इसका डेटा टाइप बाइट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 255 से बढ़ जाती है, अपर रेंज से बढ़ जाएगी, तब आपको एरर ज़रूर मिलेगा। इसलिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डेटा टाइप को बहुत ही ध्यान में रखते हैं कि क्या वेरिएबल्स वो यूज़ कर रहे हैं और किस तरह का डेटा उस वेरिएबल्स में वो पास करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये प्रोग्राम तो हमारा रन कर गया। अब बात आती है कि मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ 45.9। तो अब हम देखेंगे अब हमारा कोड कैसे रन करेगा और हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। वापस चलते हैं अपने कोड पे, दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए ए में वैल्यू आ चुकी है 45.9। बी में वैल्यू 38 और सी में वैल्यू आ चुकी है 82। तो अब आप सोच रहे होंगे ये 82 वैल्यू कहाँ से आई? ये तो 45.9 है और उसमें 36 प्लस हुआ, ये डेसिमल वैल्यू कहाँ चली गई? जी हाँ, ये डेसिमल वैल्यू यहाँ से गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, अपने डेटा टाइप को एज अ लॉन्ग लिया है। लॉन्ग हमेशा आपका एक इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, वो डेसिमल वैल्यू नहीं लेता। उसने इसको क्या कर दिया, 45.9 को उसने यहाँ पे राउंड ऑफ करके हमें आंसर दे दिया है। तो 46 हो गया, 46 प्लस 36 हो गया, दैट इज 82। तो अब हमें डेसिमल में वैल्यू चाहिए। देखिए, आप कई बार ऐसी प्रोफाइल पे काम करते हैं कि जहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यूज़ की भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप उसको समझते हैं, तो वहाँ पे आप उस फिगर्स को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर मैंने आपको बोला है कि अबव 80% कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट लेके आइए, या वो इम्प्लॉइज़ जिन्होंने टारगेट अचीव किया है अबव 80%, तो उसमें अगर किसी इम्प्लॉय का टारगेट 79.7 है, तो उसको राउंड ऑफ करके आप 80% बनाकर उसका नाम नहीं ऐड कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यू को बहुत ध्यान में रखना होता है। तो इसके लिए हमारे पास डेटा टाइप बनी है, दैट इज सिंगल। तो अब देखते हैं ये कैसे काम करेगी। तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। तो मैंने लिख दिया dim a as single, then दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगी b। अभी मैं b को एज अ बाइट रख लेती हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू बहुत ही छोटी है, दैट इज 36 मैंने वैल्यू रखनी है। और जो तीसरा मेरा वेरिएबल है c, जिसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, तो उसको भी मैं एज अ सिंगल यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मेरे तीनों यहाँ पे वेरिएबल्स दोबारा से मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। ए को सिंगल किया क्योंकि मुझे उसमें डेसिमल वैल्यू चाहिए। बी मेरा बाइट में है बिकॉज वो मेरा 0 से लेके 255 की रेंज में वैल्यू है। और सी को मैंने फिर से ले लिया सिंगल ताकि वो इस डेसिमल वैल्यू को होल्ड कर सके। जब ए और बी ऐड हों तो उनका जो डेसिमल की वैल्यूज़ हैं, जो डेसिमल के बाद वैल्यूज़ आई हैं, वो सारी उसमें शो हो। तो करते हैं इसको डिबग। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए मेरी लोकल विंडो की तरफ भी। तो ए में वैल्यू आ गई है 45.9, बी में वैल्यू आ गई है 36। तो जैसे ही ए आपका ए प्लस बी हुआ तो सी में वैल्यू आ चुकी है 81.9। तो बिल्कुल सही अब आपको रिजल्ट मिला है, क्योंकि अब आपने जो डेटा टाइप थी वो एज अ सिंगल यूज़ की थी, और सिंगल जो डेटा टाइप है वो आपकी डेसिमल
वैल्यूज को होल्ड करती है। अब यहाँ पे अगर एक और यहाँ पे मैं इसको 45.9 की जगह अकेला 45 कर देती हूँ तो वो देखते हैं हमारा सिंगल काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसको कर देते हैं डिलीट। दोबारा से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ए में 45, बी में 36 और सी में वैल्यू आ चुकी है 81। वाओ, तो क्या हुआ ये मैजिक? मैजिक क्या, ए में तो थी सिंगल डेटा टाइप, तो उसने 45 को कैसे एक्सेप्ट किया? अरे भाई, यही तो पॉइंट है। जो सिंगल डेटा टाइप होता है वो आपके होल नंबर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यही खूबसूरती है आपके सिंगल डेटा टाइप की। अगर आप किसी भी वेरिएबल को सिंगल लेते हो तो उसमें आप कोई होल नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं और कोई डेसिमल नंबर भी आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं। दोनों के लिए वो एरर कभी भी जनरेट नहीं करेगा। तो ये है एक गुड प्रोग्रामर की निशानी। तो अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब देखिए, अब डेटा टाइप्स तो और भी हैं। अब आपको मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया कि हमारे पास डबल है डेसिमल के लिए, तो वो कब यूज़ होगा? मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन था कि डेसिमल के लिए तो हम डबल यूज़ करते हैं, आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन होगा तो डबल कब यूज़ होगा? यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि सिंगल को आप होल नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और मैजिक देखिए यहाँ पे। अब मैं इस वैल्यू को डेसिमल बना देती हूँ, 45 पॉइंट मैंने लिखा 456, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको रन करके देखेंगे क्या ये कोड चलेगा। तो भाई, आपको पता है ये कोड ज़रूर चलेगा क्योंकि सिंगल ए को आपने एज अ सिंगल डेटा टाइप लिया है, तो उसमें जितनी मर्जी आप डेसिमल वैल्यू डालिए वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ए में वैल्यू चली गई है, बी में वैल्यू चली गई है, अब सी की बात आती है। तो सी में देखिए बिल्कुल सही वैल्यू गई है, दैट इज 81.456। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, तो मैं इसको कर देती हूँ 45.456 की जगह और इसको ऐड कर देते हैं 89। दोबारा से कोड को रन करेंगे तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार अपने कोड को क्यों डीबग कर रही हूँ। तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ पॉइंट्स को कि आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे जैसे मेरी डेसिमल की वैल्यू मैं पीछे बढ़ाती जाऊँगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख सकते हैं ए में वैल्यू आ चुकी है 45.45689। तो लोकल विंडो की तरफ ध्यान रखिए। बी में वैल्यू 38, सी की वैल्यू बड़ी ही खूबसूरती से कैलकुलेट हुई है, दैट इज 81.45689। तो सी में वैल्यू आ गई है, हम एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं इसकी यहाँ पे आपको आपको सिर्फ 4 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको फॉर्मेट करेंगे हम यहाँ पे, और अप टू 2 की जगह मैं इसको कर देती हूँ अप टू 7। तो इसने अभी 0.99 ले लिया है। तो देखिए ये वैल्यू है, और 2 डेसिमल बढ़ाते हैं इसमें, तो अब मैंने इसको कर दिया 52। तो यही फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैं होम टैब में जाऊँगी जी। चलिए, अब आप देखिए मेरे पास ये नंबर है, डेसिमल के बाद मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, टोटल 7 डिजिट्स हैं। तो दोबारा से अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो आंसर आया है वो आपका गलत आया है। क्यों? डेसिमल के बाद मेरी वैल्यू आनी चाहिए थी 4568952, लेकिन मुझे एक यहाँ पे डमी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं 4568939। ये 39 जो आया है वो गलत आया है। अप टू 5 डिजिट्स तो सही है आंसर, लेकिन उसके बाद
जो वैल्यूज हैं वो उसने गलत ली हैं, कहीं से भी रैंडमली दो वैल्यूज उठा के मुझे दे दी। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सिंगल डेटा टाइप है, अगर आप उसमें डेसिमल डिजिट्स लेते हो अप टू 5 डिजिट, वहाँ तक आपको वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। लेकिन 5 डिजिट्स के ऊपर अगर आप नंबर लेते हो और अपना रिजल्ट एक्यूरेट लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपका जो सिंगल है वो काम नहीं करेगा। वो अब हमारे पास जादू के पिटारे से हम निकाल के लेके आएंगे नया डेटा टाइप, और जिसको हम बोलते हैं डबल। तो डबल के लिए यहाँ पे हम सी को यूज करेंगे एज अ डबल। तो अब वापस ये रिजल्ट हम करेंगे डिलीट, और अब देखते हैं कि क्या डबल हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएगा। डीबग करते हैं अपने प्रोग्राम को। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 81.456895 2। तो कहने का मतलब सिंगल और डबल में क्या डिफरेंस हुआ, सिंगल आपका अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा। वहीं डबल की अगर हम बात करें तो डबल में अगर आप इससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लेना चाहते हैं ज़्यादा डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ के लिए, तो उसके लिए आपको जो डेटा टाइप यूज़ करनी होगी वो होगी डबल। डबल में भी सिंगल की तरह आप डेसिमल और होल नंबर्स दोनों ही ले सकते हैं। तो जहाँ पे आपने सिंगल यूज़ किया, अगर मैं ए को एज अ डबल ले लेती हूँ तब भी वैल्यूज़ वो एक्सेप्ट करेगा अगर आप होल नंबर देते हैं। बी को 36 वैल्यू को मैंने बाइट दी है, अगर मैं डबल दूंगी तब भी वो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, आपको कोई एरर जनरेट नहीं होगा। तो ये तो थी बात, अब मैंने आपको बताया कि लॉन्ग सिंगल और डबल में क्या डिफरेंस है। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी, किस तरह के क्वेश्चंस आपको डेटा टाइप में से पूछे जा सकते हैं। तो अब टर्न उनकी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने डेटा टाइप्स को, तो आपको समझना इजी हो जाएगा। तो जो फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेटा टाइप की सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं तो सबसे कम वो डेटा टाइप जो आपकी मेमोरी को यूटिलाइज करे। तो सबसे कम बाइट होता है, बाइट आपकी सिर्फ 1 बाइट मेमोरी को रिजर्व करती है। उसके बाद आ जाती है इंटीजर जो कि 2 बाइट्स आपका लेता है, लॉन्ग आपका 4 लेता है, सिंगल आपका 4 बाइट लेता है और डबल आपका 8 बाइट लेता है। तो यहाँ पे मैं इसके सामने इसकी नंबरिंग कर देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, बाइट सिर्फ 1 बाइट मेमोरी रिजर्व करेगा, इंटीजर 2 बाइट्स, लॉन्ग 4, सिंगल 4 एंड डबल 8। तो ये है उसका प्रॉपर सीक्वेंस। दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे अगर मैं डेटा टाइप की बात करूँ लॉन्ग एंड सिंगल, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो लॉन्ग डेटा टाइप होता है वो सिर्फ एक होल नंबर को ले सकता है, लेकिन जो सिंगल डेटा टाइप है वो आपके होल नंबर को एंड आपके डेसिमल नंबर को भी एक्सेप्ट करता है। तो सिंगल में आप होल नंबर और डेसिमल नंबर कोई भी नंबर इसमें दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स ही स्टोर करता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सिंगल और डबल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिमिलैरिटी बताऊंगी, चलो सिमिलैरिटी में आपको लेटर ऑन बताऊंगी, पहले डिफरेंस की बात करते हैं। सिंगल और डबल, ऑल दो ये आपके ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो आपके डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करेंगे, सिंगल आपके 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है और डबल 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। वहीं अगर सिंगल डेटा टाइप की बात करें, अगर आपका कोई डेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद आपने 5 डिजिट्स लिखे हैं तो वो 5 डिजिट्स तक आपकी वैल्यू को होल्ड करेगा। 5 डिजिट्स के बाद अगर आपने कोई और वैल्यू लिख दी, 10 डिजिट्स लिख दिए, 13 लिख दिए, तो वो वैल्यू आपकी डबल की हेल्प से स्टोर की जाएगी और आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी उसके लिए डबल ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल और डबल में क्या सिमिलैरिटी है। सिंगल एंड डबल में सिमिलैरिटी ये है
ये दोनों ही डेटा टाइप्स आपके होल नंबर को भी एक्सेप्ट करते हैं और इवन आपके जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो ये है कि क्या मुझे सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं जब मैं प्रोग्रामिंग करूं तो उनको एज अ डबल ही डिक्लेयर कर दिया जाए, ये बाइट इंटीजर का झंझट ही ख़त्म कर दिया जाए। आप हमेशा उसको डबल डिक्लेयर कर लीजिए और आपका जो काम है वो हो जाएगा, कभी भी एरर जनरेट नहीं होगा। तो इसका आंसर मैं इस तरह से आपको देने वाली हूँ कि ये देखिए, ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर भी कि वो कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग करता है। अगर प्रोग्रामर अपनी मेमोरी को लेके भी सीरियस है तो उसको अपने डेटा को देखते हुए डेटा टाइप्स अलग अलग देनी चाहिए। अगर प्रोग्रामर को लगता है कि मेमोरी का कोई झंझट नहीं है, मैं जितनी मर्जी मेमोरी यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो वो क्या करता है, सभी डेटा टाइप्स को डबल एज अ डबल डेटा टाइप असाइन कर देता है जितने भी वेरिएबल्स उसने डिक्लेयर किए हैं। तो ये प्रोग्रामर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ वो यही है कि जिस तरह का डेटा आपने वेरिएबल्स में स्टोर करवाना है, आप कोशिश कीजिए कि उसी तरह की डेटा टाइप उसके असाइन की जाए। क्योंकि अगर मैं हर किसी को डबल डेटा टाइप असाइन कर दूंगी तो डबल, आपको मैंने बताया कि टोटल कितनी बाइट्स लेता है, 8 बाइट, एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करने के लिए 8 बाइट्स। वही आप सोचिए अगर आप अपने प्रोग्राम में 50 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो आपकी कितनी मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो एक अच्छा प्रोग्रामर होने के नाते आपको ये देखना चाहिए कि आपका डेटा किस तरह का है और उसके लिए कौन सा डेटा टाइप सबसे बेस्ट है। इसीलिए हमें यहाँ पे इतने सारे डेटा टाइप्स मिले हैं, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी आपको सिर्फ एक ही डेटा टाइप मिलता है डबल और आप उसी को यूज़ कर लेते। तो बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, इनकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ये सारे डेटा टाइप्स को डिस्कस किया। इसी तरह का सेशन मैं आपके लिए कल भी लेके आऊँगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, चाहे वो आउटलुक हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेल में VBA हो, आपको सारी सीरीज़ मिलने वाली हैं और वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरी सीरीज़ को 1x1 देख लेंगे तो आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर्स कैसे काम करते हैं। So that's all for today. Keep supporting us.